ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आ ये सूरज से भी कह दो कि हमारे बच्चों को बिगाड़ना बंद करे। ये सूरज से भी कह दो कि हमारे बच्चों को बिगाड़ना बंद करे, और पब्लिक से अगर बात करनी है तो विज्ञापन करना बंद करें। आप सोच रहे होंगे इतना बढ़िया गाना, इतना अच्छा गाना, और क्या अनाप शनाप आके बोल रहा है। लेकिन आज की अगर आप इस खबर को पूरी देखेंगे तो शायद आप मेरी इस पंक्ति से सहमत होंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आज की इस खबर को आप देखें और समझें। दोस्तों, बड़ा दुख होता है जब किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखता हूँ कि वो ऑनलाइन गेमिंग का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक हकीकत कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नागपुर मेट्रो में एक दिन मैं सफ़र कर रहा था, कुछ स्टूडेंट के बच्चे थे, शायद वो अपने क्लास से जा रहे थे या क्लास से घर जा रहे थे या क्लास को जा रहे होंगे। 5-6 लड़के आपस में बातचीत कर रहे थे, उम्र लगभग 16-17-18 वर्ष के आसपास रही होगी बच्चों की। आपस में बातें कर रहे थे, वो बातें बड़ी विशेष थी, वो बातें ऑनलाइन गेमिंग की हो रही। मैं लगभग 15 मिनट तक मेट्रो में था, 15 मिनट तक उन लोगों ने बातचीत किया, और बातचीत के दौरान बड़े शांति से मैं उनको सुन रहा था। मैं समझ रहा था कि आखिर आज के बच्चे क्या बातें करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार की तरफ से क्या योजनाएं आई हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए। कोई भी बच्चा अपने स्कूल के, कॉलेज के या अपने क्लास की कोई बातें नहीं कर रहा था, क्योंकि वो बातें ऑनलाइन गेमिंग की कर रहे थे। अच्छा, ऑनलाइन गेमिंग में भी उन सब का एक फेवरेट नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनका एक फेवरेट है। उनकी एक्टिंग कर रहे थे, उनकी नकल कर रहे थे, और ऑनलाइन गेमिंग में लोटस 365 का नवाजुद्दीन सिद्दीकी एडवर्टाइजमेंट करते हुए उनकी बातें कर रहे थे। तो मुझे तो ये पता भी नहीं था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी लोटस 365 के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उन बच्चों से जानने में आया कि नवाजुद्दीन लोटस 365 का ऐड करते हैं। मैंने गूगल किया था, वास्तव में वो ऐड देखा मैंने। अब सवाल ये उठता है कि ये बहुत छोटी बात नहीं है, एक बच्चा जिसको वो उम्र है जहाँ से वो एक नए सिरे में ढल जाए, नए ढांचे में, जैसा आप उसको ढालेंगे वैसा ढल जाए, जो आदतें लगाएंगे, जो सिखाएंगे वो सीखेगा। ऐसा लड़का हमारा, ऐसा देश का यूथ अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है, जिसका असर आने वाले 10 साल, 20 साल और 30 सालों में देखने को मिलेगा कि वही नौजवान, वही लड़के जो शायद पढ़कर IAS IPS बनना चाहिए, वो ऑनलाइन गेमिंग का जुआ खेलने में लग गए और अपना सर्वस्व लुटा दिया। इसमें सेलिब्रिटी जितने भी है, मैं सिर्फ नवाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सेलिब्रिटी है उन सब इस महान कार्यों के दोषी होंगे। अब नवाजुद्दीन की अगर हम बात करें तो नवाजुद्दीन एक सीधा साधा लड़का, सभी जानते हैं उसके बारे में, नाइट की ड्यूटी करता था, दिन में स्ट्रगल करता था, और धीरे 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 एक दिन उसे सफलता मिलती है। इस देश की जनता ने उसे सराखों पे बिठाया, उसे पसंद किया, अपनी पसंद बनाया, उसको देखना शुरू किया, और जिसकी वजह से नवाज को पैसे मिले, नाम, इज्जत, रुतबा, शोहरत सब कुछ मिला। और अब नवाज का क्या दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी को क्या वो बिगाड़ रहे हैं? क्या उनका यही दायित्व था? कौन सा ऐसा सोशल वर्क कर रहे हैं ये ऑनलाइन गेमिंग का काम करके? ये समझ से परे हैं। नवाज के पास जब कुछ नहीं था तो जनता ने सब कुछ दिया आज, लेकिन जिसके पास सब कुछ है, एक गरीब परिवार है, सामान्य परिवार है, जिसे हम दो, हमारे दो बच्चे के साथ में खुश है, उसका सर्वस्व छीनने का काम नवाज जैसे सेलिब्रिटी कर रहे हैं। नवाज को अगर पैसे की ज़रूरत थी, या किसी भी सेलिब्रिटी को पैसे की ज़रूरत थी, एक अच्छा होल्ड रखते हैं अपने पसंद, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, अगर वो सोशल मीडिया पर आके बोल दे कि हमें पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसे ही पता ना जाने कितने करोड़ रुपए लोग उन्हें दे देते। लेकिन ये क्या, आप एक नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, आप देश को बर्बाद कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बता करके। ये बड़े शर्म की बात है। ऐसे लोगों को बायकॉट करना चाहिए, सरकार ने कड़े सख्त कानून लाना चाहिए, और जल्द से जल्द अविलंब सरकार ने इस कानून को लाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का भी है कि इस ऑनलाइन गेमिंग के जितने भी मालिक है वो इतने पैसे कमा चुके हैं कि उनके लिए किसी को भी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, शायद BCN इस मुद्दे को आवाज़ उठाया तो हो सकता है कि अगर इससे एक भी व्यक्ति अगर
अपने बच्चों को समझा ले, अगर वो सुधार ले, उनको सिखा दे, या फिर कि सेलिब्रिटी को बायकॉट कर दे, तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने का कार्य हमारा सफल हुआ। ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये कोई खबर नहीं है, ये सिर्फ एक दर्द है जो BCN के माध्यम से मैं आप तक लेकर आ रहा हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने बच्चों को समझाएं, सिखाएं, पढ़ाएं। गरीब और बर्बाद होते जा रहा है, सरकार की इस पर कोई नज़र नहीं है। सरकार को कंपनी, फैक्ट्री, बड़े बड़े रोड, सब कुछ ठीक है, लेकिन पीढ़ी को, युवाओं को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सरकार इस पर नियम लाना चाहिए, बस इतना ही मांग है। आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ इन BCN न्यूज़ पे।